सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर लर्निंग वीडियो। आई होप आज आप बिल्डिंग बहुत ही अच्छी खासी रही होगी। अगर आज बात करें मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, देखिए बहुत ही अच्छा खासा आज हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। मूवमेंट के साथ साथ हमें मार्केट के अंदर आज थोड़ी बहुत ट्रैपिंग देखने को मिली। ट्रैपिंग इन द सेंस कि मार्केट के अंदर देखिए अब रिकवरी कर रहा है मार्केट, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। यहाँ पर आपको बोथ साइड मार्केट के अंदर ट्रैपिंग देखने को मिलेगी, तो वैसा ही देखने को मिला यहाँ पर मार्केट के अंदर आज। तो देखिए मॉर्निंग में मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, एक गैप डाउन जरूर था लेकिन फ्लैट ओपनिंग थी। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे एक रिकवरी की तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया। देखिए जो हमने बोला था आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट का हमारा एक रिस्टेसमेंट एरिया है यहाँ पे करीबन 45,700 के अराउंड, ये है 0.6 का एरिया, ये रहा 0.5% का एरिया। मार्केट ही दोनों रेंज के बीच में है, जब तक इस रेंज के अंदर है मार्केट साइडवेज रहेगा। इस रेंज के ऊपर आते ही मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और हमने आपको एक पैटर्न बता दूं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करता है कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉर्म करके, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन बनता है और नेक्स्ट डे यहाँ पे एक गैप अप होता है, तो वहाँ से मार्केट की रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। और सेम हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, जैसा कि कल था एक बहुत ही तेज़ी मार्केट के अंदर फॉल यहाँ पे देखने को मिला था, आज यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, इस कुछ इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। आज देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है, तो यानी कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कल हो सकता है कि यहाँ से मार्केट गैप अप करे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे अगर हम तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे यानी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और ये सपोर्ट है वो एक फिबोनाची रिस्टेसमेंट एरिया है, यानी कि यहाँ से मार्केट एक रिकवरी प्लान कर सकता है और यहाँ से एक अपसाइड के लिए मूव कर सकता है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था। और आज देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट 300 पॉइंट प्लस में क्लोज किया हुआ है। तो जिन्होंने यहाँ पे एक मॉर्निंग में बात करें या फिर लास्ट में जिन्होंने एक अच्छे खासे इस लेवल के आसपास बाइंग करी थी कॉल साइड की ट्रेड, उनको अच्छा खासा मार्केट के अंदर आज यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि 45,700 से मार्केट ने रिकवर किया है 46,280 के अराउंड, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो यहाँ से डिस्कस करेंगे कि कल कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है मार्केट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको एंट्री बनानी है। तो यहाँ से आज की मार्केट का हाई जो है वो दो बार मार्केट ने तीन बार रिट्रेसमेंट एरिया वहाँ पे है, देखिए ऑलमोस्ट मार्केट ने तीन बार ट्राई किया था इस लेवल को ब्रेकआउट करने का, फिर भी देखिए अभी भी मार्केट के अंदर क्लोजिंग नहीं मिली है उस लेवल के ऊपर। तो कल अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर देता है यानी कि 46,280 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग करते ही मार्केट के अंदर हम एक अच्छी खासी कॉल साइड की पोजीशन बाई करेंगे एक अच्छा खासा कॉल साइड के लिए जाएंगे। पहला लेवल हमारा यहाँ पे देखने को मिल सकता है 46,600 का, एक अच्छा खासा अपसाइड लिए, क्योंकि इसके बीच में देखिए कोई भी गैप नहीं है, यानी कि मार्केट यहाँ तक एक बार मूव कर सकता है 46,600-700 के अराउंड, यहाँ पे एक अच्छा खासा इस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है या फिर इस लेवल के आसपास भी गैप अप ओपनिंग देता है, तो अच्छा खासा मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो रेजिस्टेंस भी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, देख सकते हो यहाँ पे। और इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगा इस कंसोलिडेशन जोन को, तो फिर से एक अपसाइड के लिए मूव करेगा, तो उसके बाद मार्केट के अंदर आपको सिंपल एक लॉन्ग टर्म के लिए 47,200 का लेवल अचीव होता हुआ दिखेगा। लेकिन बीच में मार्केट के अंदर एक पुल बैक और करेक्शन भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो एक अपसाइड के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ से फाइनली मार्केट ने एक अपसाइड के लिए रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है। जो जोन था वो जोन मार्केट ने कवर कर लिया है। चलेंगे यहाँ पे हम वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, तो देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है आज। देखिए कहीं ना कहीं उसी सेम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था, कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिकवरी प्लान कर सकता है रिट्रेसमेंट एरिया से। तो एक बार हम उस रिट्रेसमेंट एरिया को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखिए हमने यहीं से ड्रॉ किया हुआ था, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमने उस रिट्रेसमेंट एरिया को ड्रॉ किया हुआ था। तो चलेंगे हम पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, फिर वहाँ से ड्रॉ करेंगे 15 मिनट 30 मिनट, तो मैं इसको 30 मिनट ही कर देता हूँ। ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम का ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे रिट्रेसमेंट एरिया हमारा क्या निकल के आ रहा है। यहाँ से लेंगे जहाँ से मार्केट ने इनिशियल में अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया था, जहाँ से पुल बैक आना स्टार्ट हुआ है, करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, उस लेवल को मार्क करेंगे। अब देखिए हमारा कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है वही रिट्रेसमेंट एरिया जो हमने कल फाइंड किया था, कि इसके नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, 0.6-0.5 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम पुट साइड के लिए नहीं जाएंगे, अच्छा खासा होल्ड नहीं करेंगे। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आएगा तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नज़र आएगी, और 0.6 के ऊपर एक अच्छा खासा आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। वैसा ही देखने को मिला जब मार्केट ने 46,000 के लेवल को के ऊपर सस्टेन कर लिया। और हमने एक चीज़ आपको और बोली थी कि 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का सस्टेन करेगा, तो हम अच्छा खासा अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो देखिए मार्केट ने
एक बार तो 46,120 के ऊपर गई थी, लेकिन उस टाइम पे सस्टेन नहीं किया हुआ था, एक कैंडल बनी थी ग्रे, उसके बाद रिवर्सल आया था। लेकिन इस बार देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग के बाद अच्छा खासा मूव आया है। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है कॉल साइड के लिए, आपको इन्हीं लेवल्स पे अच्छा खासा ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर।